हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो का। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। जो रेडियंस होता है, मेजरमेंट करते हैं जिसमें हम एंगल का, उसमें क्या फ़र्क होता है, मतलब क्या उसमें रिलेशन होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सर्कल लेना है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट जो है ओ लेना है, उसके बाद इसको पेरीफेरी से मिलाना है। जो पॉइंट हमने ए लिया है वो एक रेडियस है। फिर हमने एक आर्क, जो आर्क है वो रेडियस के बराबर लेना है, और वो पॉइंट है पी, जो हमने पी लेना है। और जो एंगल ए ओ पी है, ए ओ पी जो एंगल है वो एक रेडियन को डिफाइन करता है, प्रदर्शित करता है। तो आगे है ए, जो एंगल ए ओ बी है, मतलब जो पॉइंट बी है, एंगल ए ओ बी बनाता है। जो ये पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो राइट एंगल को दिखाता है, यानी 2 90 डिग्री के एंगल। तो टोटल मिला के 180 डिग्री। तो वी नो, हम जानते हैं कि जो एंगल है, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल, मतलब एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड प्रोपोर्शनल टू द आर्क, मतलब जो एंगल है सेंटर से वो आर्क के प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये है कि जो एंगल ए ओ पी है और एंगल ए ओ बी, जो इसका रेशियो है, वो एंगल जो आर्क ए पी है और आर्क ए पी बी है उसको शो कराते हैं। अब इसका मतलब है एंगल जो ए ओ पी है उसका रेशो जो ए ओ बी है वो क्या है, एक दो ट्राइंगल है, मतलब टू ट्राइंगल है। तो जो ए ओ पी है वो तो आर है, और जो जो रेशो है आर्क का ए पी बी का वो क्या है, पाई आर है। यहाँ पे हमें पता है कि जो आर्क होता है, जो आर्क है ए ओ बी, वो ए पी बी जो है आर्क, वो 1/2 है उस सर्कल की सरकमफ्रेंस का, मतलब 1/2 है। जैसे पाई आर, 2 पाई आर तो पेरीफेरी होती है, और ये उसका आधा है, तो 2 से 2 कट गया तो बचा पाई आर। आगे एंगल ए ओ पी जो है वो क्या है, राइट एंगल, 2 राइट एंगल अपॉन पाई का रेशो होता है। और जो ए ओ पी जो एंगल है वो 180 डिग्री, जो कि 2 जो राइट एंगल हैं उनकी डिग्री है, अपॉन में पाई है। यहाँ पे पता चलता है हमें कि हेंस ये प्रूफ हो किया जाता है कि जो 1 डिग्री है रेडियन जो है वो 1 डिग्री है, जो 1 रेडियन है वो 180 डिग्री अपॉन पाई है, यानी पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री है। आगे है, अब क्लियरली आर्क जो है वो ए आर्क जो है ए पी बी क्यू ओ, मतलब जो टोटल पूरा बना था सर्कल में ए से लेके बी तक, और वापस ए तक आने पर वो पेरीफेरी जो होती है वो 2 पाई आर होती है। सो जो मेज़र है एंगल का मेड बाय दिस आर्क, इस आर्क से जो बना है वो कहाँ पे, जो सेंटर है, सेंटर जो ओ है ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर ओ है, इज कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन आर है, 2 पाई अपॉन आर रेडियंस, जो कि क्या हो जाता है, 2 पाई रेडियंस हो जाता है आर से आर कटने के बाद। आल्सो जो मेजर है ऑफ द एंगल, एंगल का जो मेजर है इज द मेजर ऑफ 1 रिवोल्यूशन, जो एंगल का मेजर था वो एक 1 रिवोल्यूशन था, जो कि 360 डिग्री के बराबर है, यानी 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, और पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी कि जो 1 रिवोल्यूशन है, जो वन सो द वन रिवोल्यूशन कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेंडेड टू एन एंगल ऑफ 2 पाई, जो पूरा एक सर्कल है, मतलब जो पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन है वो 2 पाई को शो कराते हैं, सर्कल शोन इन द फिगर, जो कि नीचे फिगर में दिखाया गया है इस तरीके से। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है एक सेंटर ओ है, और उसको एक्स और वाई एक्सिस में शो करा रहे हैं। तो वाई एक्सिस और वाई डैश और एक्स एक्सिस और एक्स डैश, बीच में सेंटर ओ है, उन पे पॉइंट ए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट है। तो जो ए ओ बी है, जो एंगल है इसमें ए ओ बी, यानी इसमें जो ए बी है वो क्या है, वो है 1/4, 1/4 है 2 पाई का। तो वो 2 से 2 कट गया तो 4 कट गया तो बचा पाई बाय 2 रेडियन, यानी 1/4 जो है वो पाई बाय 2 रेडियन है। अब जो ए ओ सी है, ए ओ सी क्या कह रहे हैं, ए ओ सी एक सीधी लाइन है जो कि 180 डिग्री को शो कराते हैं, तो वो पाई 2 पाई का आधा है, जो कि पाई रेडियन कहलाता है। आगे ए ओ बी, ए ओ डी जो है वो 1/3 है पाई 2 पाई का, जो कि 3/2 पाई रेडियन कहलाता है। दस इस प्रकार क्या है, जो क्वाड्रेंट है, एंगल है, वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन है ऑफ द 2 पाई, वो पाई बटे 2 का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ऑल इंटीग्रल जो मल्टीपल है वो पाई बाय 2
मतलब जो कहलाते हैं वो क्वाड्रेंट एंगल कहलाते हैं, मतलब क्वाड्रेंट को शो कराते हैं, उसके चार पार्ट हैं और चारों को अलग अलग करके उसके क्वाड्रेंट कहलाते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। आगे क्या है, वैन एंगल, वैन एन एंगल, जब कोई एंगल क्या कहता है एक्सप्रेस किया जाता है रेडियंस की फॉर्म में, तो जो वर्ड यूज होता है रेडियन वो एक जनरली हटा दिया जाता है। तो हम जानते हैं वी नो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है, देयर फॉर जो 1 डिग्री होता है वो 1 डिग्री क्या होता है पाई बाय 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होते हैं एक एक लाइन में, तो जो पाई पाई जो 1 डिग्री होगा वो पाई का 180 का रेशो होगा। सो जो 30 डिग्री है वो क्या होगा पाई बाय 180, और उसको हम डिवाइड करेंगे 31 जो 30 और 36 जो 180, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। अगर एंगल 45 डिग्री का है तो सब उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 की अगर काटेंगे हम उसको तो 4 टाइम्स कटेगा और पाई बाय 4 रेडियंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर 60 डिग्री का एंगल है तो उसका रिलेशन क्या है, वही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 की, और 6 × 6 = 3 = 18, तो ये पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। आगे अगर हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं तो पाई बाय 180 डिग्री इक्वल टू 91 जो 90, 92 जो 180, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। आगे है वी हैव जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है, और जो 180 होगा 180 मतलब हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन है वो तो 180 डिग्री के बराबर है, और जो 1 रेडियन होगा वो 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड लगभग अप्रोक्स इतना आता है। तो अगेन 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है, और 1 डिग्री जो होगा वो पाई बाय 180 रेडियन होगा, जो कि कन्वर्ट करने पर 22/7 180 डिग्री रेडियन इक्वल टू इसकी वैल्यू जो आएगी 1 डिग्री जो होगा वो 0.01746 रेडियन के बराबर होगा। मतलब दोनों तरीके से बता दिया, एक रेडियन में कितने होते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, और जो 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं तो 0.01746 रेडियन। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियंस, जो रेडियन होते हैं और रियल नंबर के बीच क्या रिलेशन है। तो वही हमने एक स्टार्ट किया, हमने क्या किया, हमने एक सर्कल लिया, सर्कल लेने पर उसका सेंटर ओ है, और उससे एक पॉइंट जो पेरिफेरी उस पर ए पॉइंट लिया, उस पर हमने एक टेंजेंट डाली, टेंजेंट जो कि एक एक्सिस को शो कराती है एक्स और एक्स डैश को। तो उसमें हमने जो आर्क हैं बी और जो पी हैं, बी और पी को हमने उस टेंजेंट पे हमें मतलब उस पॉइंट को मानना है, और नीचे क्यू जो पॉइंट है उसको भी। तो जो ए और पी जो इस टेंजेंट पे है वो एक्स को शो कराते हैं, एक्स पॉइंट जो ए बी को और ए पी को शो कराते हैं, और जो नीचे है ओ क्यू वो जो क्यू डैश है वो वाई एक डिस्टेंस है उसको शो कराते हैं, जो उनके आर्क को दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक एंगल लिया एंगल ए ओ बी, जो एंगल ए ओ बी है मतलब ये जो ए ओ बी एंगल है, इस एंगल में ये जो है वो किसके बराबर है आर्क अपॉन ए बी, और जो आर्क ए बी है वो अपॉन ओ ए के बराबर है, और जो एंगल ए ओ बी है वो क्या है आर्क ए बी, क्योंकि ओ ए जो है वो एक यूनिट हमने लिया है। सो जो लेंथ होगी अर्थ की, आर्क की जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, ए बी की जो लेंथ है वो एक रेडियन मेजर मतलब एक रेडियन मेजर है, मतलब एक रेडियन है उसकी। और एंगल ए ओ बी जो है, लेट मान लो जो एक्स एक्स ए एक्स डैश जो है वो एक टेंजेंट है सर्कल ए पर, जो मैंने अभी बताया था, और जो ए है वो क्या है एक रियल नंबर है जो कि ज़ीरो है। तो जो पॉइंट है ए एक्स पर, जो ए एक्स पर जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव में होगा, जो ए एक्स डैश पर पॉइंट होगा तो वो नेगेटिव में होगा, और जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंट ओ को ए एक्स के ऊपर, और जो ए पी है वो आर्क को शो कराती है ओ पी के ऊपर, ओ पी डैश पर। तो जो आर्क है ए पी डैश वो रेडियन मेजर करता है किसकी, ए ओ बी की, और जो ए पी है वो रेडियन मेजर करता है एंगल ए ओ क्यू की। तो जो एंगल ए ओ क्यू है वो आर्क ए ओ अपन वन है, जहाँ पे जो कि आर्क ए ओ मतलब ए क्यू ओ डैश के बराबर है। आगे y जो है वो डिस्टेंस है, वो एक रेडियन मेजर है एंगल ए ओ क्यू की। इस प्रकार जो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं इज़ द रेडियन मेजर्स ऑफ सम नेगेटिव नंबर, जो रेडियन मेजर होगी नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव मेजर जो होगी वो नेगेटिव नंबर्स की होगी, और इसका उल्टा भी वही है, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव रियल नंबर की मेज़र होगी।
हैंस जो रेडियन मेज़र किया हमने ऑफ एंगल एंगल की एंड द रियल नंबर जो रियल नंबर है उसकी कैन बी कंसिडर उसको समझा जा सकता है वन एंड द सेम वन एज वन एट द सेम मतलब एक ही समझा जा सकता है इस बात को। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट जो मेजरमेंट के दो सिस्टम हैं उनके हम आगे पढ़ेंगे। तो मान लो लेट जो डी है डी एक नंबर है डिग्री है डी बी द नंबर ऑफ अ डिग्री डिग्री का नंबर है डी और आर क्या है नंबर ऑफ रेडियन मतलब डी जो है डिग्री में है और आर जो है रेडियन में है उसका जो एंगल है और मान लो 90 डिग्री जो है वो है क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री क्या है एक राइट एंगल है और 1 डिग्री क्या होगा 1 अपॉन राइट एंगल होगा। तो जो डी है वो एक डिग्री होगी वो डी अपॉन 90 डिग्री होगा राइट एंगल के बराबर तो जो थीटा थीटा जो होगा वो डी अपॉन 90 डिग्री जो कि एक राइट एंगल को शो कर रहा है डी अपॉन 90 राइट एंगल। तो जो पाई रेडियन होगा मतलब कि जो पाई रेडियन होता है वो 2 राइट एंगल को शो कराता है और 1 रेडियन क्या होता है 2 अपॉन पाई यानी 2 अपॉन पाई राइट एंगल को शो कराता है। तो जो आर रेडियन होगा आर रेडियस जो रेडियन जो होगा वो 2 आर अपॉन पाई राइट एंगल होगा और जो थीटा होगा वो 2 आर अपॉन पाई राइट एंगल होगा यानी ये बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हमने 1 2 से जो इक्वेशन हमने निकाली है ये सेकेंड और उससे ऊपर जो पहली जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है ये फर्स्ट और टू इन दोनों का कंसिडर करने के बाद हमें क्या मिलता है हमें मिलता है कि जो डी अपॉन 90 है वो 2 आर अपॉन पाई है। अब क्या है दिस इज़ द रिक्वायर्ड यही एक रिक्वायर्ड रिलेशन है ज़रूरी रिलेशन है जो बिटवीन टू जो कि दो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है एंगल की उसको दिखाते हैं प्रदर्शित करते हैं ज़रूरी है। आगे सम यूजफुल पॉइंट्स जो हमने इसमें पढ़े तो द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट जो दो डिजिट के बीच का जो एंगल होता है डिजिट इन अ सर्कल सर्कल जो सॉरी स्लोप के अंदर तो वो कितना होता है वो 30 डिग्री होता है जो कि पाई बाय 6 के बराबर है पाई बाय 6 रेडियन के बराबर है। आगे है द आवर हैंड जो आवर द आवर जो जो घड़ी का घंटा होता है उसका जो हैंड होता है वो रोटेट करता है एक एंगल पे 30 डिग्री के 1 आवर दैट इज़ जो कि क्या है 1.2 डिग्री है एक मिनट का इन अ मिनट एक मिनट में। आगे जो मिनट हैंड है वो रोटेट करता है थ्रू एक एंगल बना करके जो 6 डिग्री का एंगल बनाता है एक मिनट में। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके तो पहला एग्जांपल है कि फाइंड द डिग्री आपने डिग्री फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर मतलब जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे पहले अगर हम करोगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2π/15 जो कि किसमें है रेडियन में है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो पाई से पाई कट जाएगा और इसे काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 24 डिग्री पाई से पाई काट दिया और 15 से 3 5 15 और इस तरीके से और 3 6 18 उस तरीके से 11 5 5 और 12 5 60 तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 24 डिग्री का आंसर आएगा। ऐसी पाई बाय 8 जो है रेडियन में उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके पाई से पाई कट जाएगा कटिंग कट करने पर आंसर आएगा 45/2 जो 45/2 है इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जो कि 22 एंड 1/2 इसको डिनोट करता है जिसमें से 22 को हमने बाहर निकाल लिया जो कि डिग्री है और जो 1/2 है उसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर इसको हमने सेकंड में बदल दिया सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये 22 डिग्री और 30 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो 1/4 है जो कि रेडियन में है उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वही 180/π से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करने पर जो पाई की वैल्यू रखनी है वो 22/7 रखी है। जब हम पाई को नीचे रखते हैं तो 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर आएगा इसको काटने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 315/22 डिग्री इसमें से हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो 14 7/22 आएगा जिसमें से 14 जो है उसको अलग निकाल लिया जाएगा जो कि 14 डिग्री कहलाएगा। बाद में हम 722 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से इसको मिनट में बदलने के लिए तो हम जब इसको मिनट में बदलते हैं तो 40 डिग्री और ये 19 1/11 का एक मिक्स फ्रैक्शन बनेगा उसके बाद ये 40 डिग्री और 19 सेकंड हो जाएगा उसके बाद मिनट हो जाएगा उसके बाद हम जो अंदर की वैल्यू 1/11 इसको जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा
14 डिग्री 19 सेकेंड 19 मिनट और 5 सेकेंड। आगे उसी पर उसी तरीके से मान लो माइनस का 2 डिग्री माइनस 2 रेडियन है एंगल, उसको हमने डिग्री में बदलना है, तो वही हमने 180/π से मल्टीप्लाई करनी होगी डिग्री में बदलने के लिए। उसके बाद इस पाई की वैल्यू रखेंगे हम 20, नीचे अगर पाई है तो नीचे 22 अपन ऊपर 7 हो गया। उसके बाद जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा माइनस 114 और 6/11 का मिक्स फ्रैक्शन होगा, तो हम 114 है उसको अलग निकाल लेंगे। उसके बाद 6/11 की हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 114 डिग्री और 32/8/11 का फ्रैक्शन होगा, जिसमें से 32 बाहर निकाल लिया जाएगा और माइनस भी बाहर निकाल लिया जाएगा, तो माइनस निकालने पर वो 114 डिग्री 32 मिनट और बाद में जो मिक्स फ्रैक्शन में बचा हुआ 8/11 उसकी 60 से मल्टीप्लाई करने पर इसको सेकंड में बदल जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो माइनस का 114 डिग्री 32 मिनट एंड 44 सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेगा। ऐसे ही 6 जो है 6 रेडियन अगर है तो उसकी वही 180 डिग्री/π से मल्टीप्लाई करने पर पाई की वैल्यू 22/7 करने पर इसको काटने पर जो आएगा वो 90/7/6 आएगा। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया 3 इसको मल्टीप्लाई करने पर 3780/11 आया, तो इतने डिग्री। तो इसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो 343/7/11 आएगा, जिसमें से 340 को हम निकाल लेंगे डिग्री के फॉर्म में और बाकी जो अंदर का 7/11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से इसको मिनट में बदलने के लिए। तो जब हम मिनट में बदलेंगे तो ये आएगा 420/11 मिनट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 30 डिग्री जो 38 मिनट है वो बाहर निकल के 343 डिग्री 38 मिनट, और फिर जो मिक्स फ्रैक्शन में 2/11 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स। ऐसे अगला ही क्वेश्चन है। अब 11/16 तो अब इसकी हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 11/16 होगा, इसकी मल्टीप्लाई हम पाई 180/π से करते हैं तो हमारा पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो करने पर यूज़ करने पर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 315/8 में, जो कि डिग्री है, और इसका मिक्स फ्रैक्शन जो आएगा वो 39/3/8 आएगा, जिसमें से 39 को बाहर निकाल लिया जाएगा जो कि डिग्री में है। उसके बाद अंदर की जो वैल्यू है 3/8 उसकी मल्टीप्लाई 60 हो जाएगी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद 39 डिग्री और 22 मिनट निकलने के बाद जो बचा हुआ है 1/2 उसकी 60 में मल्टीप्लाई होगी इसको कन्वर्ट करने के लिए सेकंड्स में। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा वो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स होगा। इसके बाद एग्जांपल्स करने के बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री, आपने डिग्री बतानी है और मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन, जो रेडियन मेजर है इनको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो वही क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल्स बताए, तो 9π/5 -5π/6 18π/5 -3 11, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कन्वर्ट करना है डिग्री जो सिस्टम है एंगल मेजरमेंट का। तो ये आज की वीडियो कंप्लीट हुई, तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।